संस्कार राजधानी जबलपुर के गौरी घाट पर आगामी 24 फरवरी से 3 मार्च तक नर्मदा गौ कुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में देश भर के 30,000 से भी ज्यादा साधु संत और श्रद्धालु शामिल होंगे। इस 9 दिवसीय विशाल आयोजन को लेकर शासन प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रयागराज कुंभ के एक वर्ष बाद जबलपुर नर्मदा ग्वारी घाट पर 6वीं बार नर्मदा गौ कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 24 फरवरी से 3 मार्च तक होने वाले इस आयोजन को लेकर शासन प्रशासन द्वारा भव्य तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन के अनुसार इस नर्मदा गौ कुंभ में देश प्रदेश से 30,000 से ज्यादा साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान लगाया जा रहा है। 9 दिन चलने वाले नर्मदा गौ कुंभ में साधु संतों को ठहराने के लिए व्यवस्था की जा रही है। वहीं पूजा हवन के लिए 5 यज्ञ स्थल बनाए गए हैं। नर्मदा गौ कुंभ के दौरान धार्मिक आयोजनों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार कैलाश खैर, ऋचा शर्मा, मालनी अवस्थी सहित जबलपुर के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजन को लेकर स्वामी श्याम दास जी महाराज ने बताया कि जबलपुर नर्मदा ग्वारी घाट में 6वीं बार नर्मदा कुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर के साधु संतों का एक बार फिर मध्य प्रदेश के लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। इस दौरान उन्होंने देश भर की पवित्र नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। 9 दिवसीय नर्मदा गौ कुंभ के दौरान यज्ञशाल में देश के ख्यात संतों द्वारा हवन कर देश प्रदेश की खुशहाली के लिए आहुति दी जाएगी। वहीं इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की अपील की गई है। रंजन के भी आयोजन है, मूर्धन्य कलाकार बीच में आ रहे हैं, जैसे कैलाश खेर हैं, हंसराज रघुवंशी हैं, मालिनी अवस्थी हैं, ऋचा शर्मा हैं, ये बाहर के प्रसिद्ध हैं, सो कलाकार ये भी सब आ रहे हैं, और स्थानीय जो कलाकार हैं उनका भी यहाँ पर मंचन होगा। वो भी अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। भागवत जी की कथा होगी, कथा वक्ता वृंदावन से आ रहे हैं इंद्रेश उपाध्याय जी, और 5 यज्ञ हो रहे हैं। रुद्र महायज्ञ करने के लिए दक्षिण भारत से विद्वान पंडित पुरोहित सब आ रहे हैं, और वो अपने ढंग से कांचीपुरम से आ रहे हैं, शंकराचार्य भी के भी आने की संभावना है। तो वो यज्ञ होगा और नर्मदा महायज्ञ होगा, गणेश महायज्ञ होगा और चंडी महायज्ञ होगा। तो इस प्रकार से गौ पुष्टि यज्ञ होगा, तो यज्ञ भी होंगे, भगवान शिव का अभिषेक होगा, 1,25,000,000 शिवलिंग का एक साथ अभिषेक होगा। यहाँ पर नर्मदा का हर कंकड़ शंकर कहलाता है, तो बस नर्मदा से नर्मदेश्वर यहाँ आए हैं, उनका अभिषेक होगा और साधु संतों के प्रवचन सुनने को आशीर्वाद को मिलेंगे। तो मैं संस्कारधानी जावालपुरम के इस महाकुंभ को सब दर्शकों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे सब लोग आएँ, चैनल के दर्शक, और इसमें सहभागी बने। यहाँ भगवान ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि भगवान राम यहाँ 5 वर्ष तक नर्मदा के तट पर रहे हैं, और वामन भगवान का प्राकट्य भी यहीं हुआ है नर्मदा के तट पर। तो ये पावन भूमि है महर्षि जावाल की नगरी, और आप सब जितने दर्शक गण हैं पुनः मैं सबको बड़े ही विनम्रता के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। आप सब यहाँ श्रद्धा भक्तिभाव से आएँ और इसे नर्मदा गोकुंभ के साक्षी बने, सहयोगी बने और पुण्य लाभ लें। 3 मार्च तक नर्मदा गोकुंभ का आयोजन शासकीय आयोजन है। माँ नर्मदा जी का संरक्षण हो, नदियों का संरक्षण हो, प्रकृति का संरक्षण हो, गौ माता का संरक्षण हो, पंचगव्य का प्रचार प्रसार हो, इन सब चीज़ों को लेके ये आयोजन पहले भी 6 साल पहले हुआ था, इस बार और भव्यता से हो रहा है। इसमें इस बार सभी समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, विशेषकर नगर के निवासियों को जोड़ने की, युवा वर्ग को जोड़ने की कोशिश हो रही है। इसीलिए धार्मिक कार्यक्रम भी हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, डेली थीम बेस्ड अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बड़े स्तर के कलाकारों को बुलाया गया है। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।